हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से हैं, तो इतिहास के पिता हेरोडोटस है, ठीक है। उसके बाद में ट्रेसियस को देखा, हाँ मेगास्थनीज को देखा, डायमेकस को देखा, डायोनीसियस को देखा, प्लिनी बहुत इंपॉर्टेंट है, पुस्तक पूछी जाती है नेचुरल हिस्ट्री आपकी, मेगास्थनीज की बुक का नाम पूछा जाता है इंडिका। अब देखिए क्या है कि यूनानी के साथ अब अरबी लेखक भी आए, अरबी लेखकों की बात करें तो अरबी लेखक में बहुत इंपॉर्टेंट है अल बरूनी, ठीक है। अब जो अल बरूनी है, ये अल बरूनी से क्वेश्चन पूछा जाना है। देखो क्या हुआ कि कौन सी शताब्दी में, अब आप देखते हैं कि आठवीं शताब्दी के लगभग में आपके पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में विदेशी आक्रमण होते हैं, जैसे कि मुस्लिम आक्रमण। तो आप जानते हैं कि भारत के पश्चिमी हिस्से में, माने ये सिंध प्रांत वाले हिस्से में, आपके मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 712 ईस्वी में होता है, ठीक है। यहां पर सिंध प्रांत है और सिंध प्रांत के मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है और ये इसे जीत जाते हैं। यहां पर राजा होता है राजा दाही। तो इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद भारत में अनेक शासक, दूसरे शासक वर्गों का क्या हो रहा है, आक्रमण होता है। मतलब भारत पर आक्रमण करके उनका ईसाई मुस्लिम, यह मुस्लिम शासक है, तो मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करने और धन को लूटने का कार्य किया जाता। अब क्या हो रहा है कि ये अपने साथ, इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी नाम के एक शासक आते हैं गजनी से, कहां से, ऊपर है आप अगर देखें इसे तो ऊपर में यहां पर मध्य एशिया के गजनी साम्राज्य है, अफगानिस्तान के ऊपर गजनी। इस गजनी साम्राज्य के महमूद गजनवी गजनत ये भारत पर 17 बार आक्रमण करते हैं। महमूद गजनवी अल्पतगीन सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद गजनवी भारत आते हैं और भारत आकर ये भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर भी आक्रमण करते हैं। इनका 1025 में जो आक्रमण होता है वो सोमनाथ के टेंपल पर होता है, सोमनाथ मंदिर पर ये आक्रमण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये आक्रमण करते हैं सौराष्ट्र में और इनसे भीम द्वितीय लड़ते हैं 1025 में और 1030 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो महमूद गजनवी के साथ बहुत सारे मतलब फिरदोसी, उत्तवी, फारूकी, अलबरूनी जैसे लेखक आते हैं और ये लेखक अपना इतिहास लिखते हैं। तो अलबरूनी जो है ये किसके साथ आया है, तो गजनी साम्राज्य के शासक महमूद गजनवी के साथ। ये प्रश्न आएगा, ध्यान रखना। गजनवी 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। इसका अंतिम 1027 में जाटों को खिलाफ आक्रमण होता है। 1030 ईस्वी में गजनवी जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो महमूद गजनवी जो है इसके साथ अलबरूनी आए हैं और अलबरूनी अपनी एक किताब लिखते हैं, बुक लिखते हैं, उसका नाम है तहकीक ये हिंद, या इसी किताब को किताब उल हिंद भी कहते हैं, किताब उल हिंद या तहकीक ये हिंद, भारत की खोज। इस समय की राजपूत कालीन, इस समय की समाज संस्कृति आदि की जानकारी हमें अलबरूनी की तहकीक हिंद या किताबे हिंद से मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, बनेगा आप लोगों को, क्योंकि यहां से ये तो आपका भारत है, इस भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने यहां पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, पहले अरबी है जिनने आक्रमण किया, फिर गजनवी ने आक्रमण किया, उसके बाद मोहम्मद गौरी भारत आए। मोहम्मद गौरी का 1191 और 1192 के दो
आपको याद है तराइन के युद्ध ने मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। आप ये अच्छे से जानते हैं कि मोहम्मद गजनवी के बाद उसी गजनी साम्राज्य के अंदर गौर साम्राज्य है, उस गौर से गौरी आ रहे हैं और गौरी 1191 और 1192 में तराइन प्रथम और तराइन द्वितीय का युद्ध लड़ते हैं। प्रथम में पृथ्वी विजय होते हैं और द्वितीय में पृथ्वी की विजय हार होती है, गौरी विजय होते हैं। गौरी का सहयोग जयचंद ने दिया होता है, किसने दिया होता है? जयचंद ने, और जयचंद को गौरी 1194 के चंदावर के युद्ध में हरा देते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद गौरी के गुलाम जो होते हैं ये भारत में क्या करते हैं, साम्राज्य अपना साम्राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो चंदावर का युद्ध, गौरी के गुलाम जो होते हैं यजदूज, कुवाचा, कुतुबुद्दीन एवक, तो वो यहाँ पर गुलाम वंश की, कुतुबुद्दीन एवक गुलाम वंश की नींव रखते हैं और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत आ जाती है। तो उस समय अलबरूनी भारत आए, ठीक है, ये इतिहासकार है। अब अगले हम चलते हैं मार्को पोलो की तरफ। मार्को पोलो जो है ये भारत है, आते हैं इटली के हैं, ये दक्षिण भारत के पांड्या राज्य में आते हैं, दक्षिण भारत में पांड्या राज्य है, पांड्य राज्य 1298 88 से 92 के बीच में ये रहते हैं। दक्षिण भारत में आते हैं, ये दक्षिण भारत की यात्रा पर आते हैं, ये दक्षिण भारत की यात्रा करते हैं। तो पूछा जाता है कि मार्को पोलो से क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक है निकोलो कोंटी, यहां से एग्जाम में प्रश्न आ चुका है निकोलो कोंटी से। निकोलो कोंटी कौन है? तो ये इटली के निवासी हैं और ये देवराय के, मतलब विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य जिसके आज भी अवशेष हमें मिलते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने मिलकर की थी। हम्पी इसका जो तुंगभद्रा नदी के किनारे, हम्पी ये दक्षिण में, ठीक है। तो उन्हीं के विजयनगर साम्राज्य में देवराय नाम के एक शासक है, उनके दरबार में निकोलो कोंटी भारत आते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है 1420 के लगभग। और विजयनगर साम्राज्य का एक बहुत ही प्रतापी शासक कृष्णदेव राय, आप लोगों ने नाम सुना होगा कृष्णदेव राय, ठीक है, आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बन जाता है। एक शासक जो है यात्री, आप देखते हैं कि इस पश्चिम में हमारे यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को है, क्या नाम है? मोरक्को एक देश है। मोरक्को से एक यात्री आता है इब्न बतूता। ये भारत आते हैं, ये भारत जब आते हैं तब भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन होता है, तब भारत में तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का शासक होता है। लगभग ये 1333 के लगभग में ये आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन होता है। तब यहां पर ये आते हैं, इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया जाता है, दिल्ली का काजी नियुक्त किया जाता है और इसे चीन भी भेजा जाता है। इब्न बतूता की किताब है रेहला, क्या किताब है? रेहला। इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाना है, आपको ध्यान रखना है कि इब्न बतूता की किताब रेहला, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 के लगभग में आया, ये कई वर्षों तक के भारत में रहा और दिल्ली का इसे काजी भी नियुक्त किया। तो यहां पर मैंने आपको चार महत्वपूर्ण लोगों की, यात्रियों के बारे में बताया, मार्को पोलो, अलबरूनी, मार्को पोलो, अलबरूनी, इब्न बतूता और निकोलो कोंटी। इससे पहले जो मैंने बताया था वे सारे के सारे आपका कौन थे? आपके यूनानी यात्री। यहां से एग्जाम में प्रश्न आना है, ध्यान रखना है आप लोगों को, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बने, ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। क्योंकि देखिए, यदि हमें याद रखना है कि अलबरूनी कब आया तो हमें
मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद गजनवी को याद रखना पड़ेगा। उसी के बाद पूछ सकते हैं कि ये किसका किसके साथ में आया था, किसका राजदरबारी था। अलबरूनी के साथ अन्य भी आए हैं, फिरदौसी, उत्तबी, फारूकी और अल, ठीक है।